क्या कभी आपने ऐसा तरबूज खाया है जिसकी कीमत 8 लाख रुपए हो? और क्या कभी आपने ऐसा सेब खाया है जो 500 रुपए में एक मिलता हो? क्या आपने कभी बुद्धा की सेब में किसी नाशपाती को देखा है? शायद नहीं देखा होगा और ना ही कभी इतने महंगे फलों के बारे में सुना होगा। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो जिसमें आप दुनिया के 12 सबसे महंगे फलों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो। नंबर 12, बुद्धा सेब्ड पेयर। ये नाशपाती कोई आम नाशपाती नहीं है जो हमारे बाजारों में मिल जाती है। हम लोगों के हिसाब से तो बाजार में एक ही तरह के नाशपाती मिलती है जिसका दाम मामूली होता है, लेकिन इस खास किस्म की नाशपाती का दाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। बुद्धा सेब्ड इस एक नाशपाती का दाम 680 रुपए है। जी हाँ, 680 रुपए। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, यह नाशपाती बुद्धा के आकार में होती है। जब पेड़ पर फल आना शुरू होता है तो एक तरह के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बुद्धा की फोटो बनी होती है और सांचे में ढलकर यह फल बुद्ध की शेप में आ जाते हैं। नंबर 11, अगर आपको संतरे खाने का शौक है तो आप जापान का इस संतरे को देखो। यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट संतरा है, लेकिन एक बात और, यह एक संतरा आपको काफी महंगा पड़ेगा। यह संतरा आपको $80 यानी कि करीब 8,000 रुपए के पड़ेंगे और इसको खाने के लिए आपको जापान ही जाना पड़ेगा क्योंकि यह खास संतरा सिर्फ जापान में ही मिलता है। नंबर 10, संबिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरी। अगर आपको भारत में मिलने वाली स्ट्रॉबेरीज महंगी लगती है तो आपको संबिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरी के बारे में शायद नहीं पता। ये स्ट्रॉबेरीज एक पैकेट में करीब 12 आती है और उस पैकेट की कीमत $85 तक हो सकती है, यानी करीब 8,500 रुपए। मतलब एक स्ट्रॉबेरी की कीमत लगभग 700 रुपए तक होती है। यह स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी इसलिए होती है क्योंकि यह कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, इसका कोई ब्रांड नहीं है और यह नेचुरली इतनी लाल होती है। इसके अलावा ही ये स्ट्रॉबेरी अलग तरह से तैयार की जाती है और कई दिनों तक स्टोर करके भी रखा जा सकता है, इसलिए इस स्ट्रॉबेरीज की कीमत काफी ज्यादा होती है। जापान में बहुत से लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, व्हाइट जूल्स स्ट्रॉबेरी। लाल स्ट्रॉबेरी के बाद अब बात करते हैं सफेद स्ट्रॉबेरी की। यह स्ट्रॉबेरी भी जापान में ही उगाई जाती है। इस स्ट्रॉबेरी का रंग बाहर से सफेद और हल्का पिंकिश कलर का होता है, जबकि अंदर से इनका रंग पूरी तरह सफेद होता है। सफेद होने की वजह से इनके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह लाल स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा मीठी होती है। इनका टेस्ट शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे पाइनएप्पल खाया हो, लेकिन बाद में इनका टेस्ट किसी कैंडी की तरह लगता है। अगर बात करें इस स्ट्रॉबेरी की प्राइस की तो एक स्ट्रॉबेरी करीब 750 रुपए तक मिलती है। नंबर 8, ब्लैक डायमंड एप्पल। आज तक आपने लाल या फिर हरे सेब के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं ब्लैक एप्पल। ब्लैक एप्पल को डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। कहने को तो यह ब्लैक है, पर सिर्फ इनका नाम ही ब्लैक है क्योंकि इनका असली रंग बैंगनी है, जो कि तिब्बत के बागानों में पाए जाते हैं। जहां यह सेब पाए जाते हैं वहां के दिन और रात में काफी ज्यादा तापमान में अंतर होता है। दिन के समय सेब को काफी ज्यादा धूप मिलती है, जिसकी वजह से सेबों का लाल रंग काला या फिर बैंगनी हो जाता है। इस सेब को किलो के भाव से नहीं बल्कि एक सेब के हिसाब से बेचा जाता है, जिसकी कीमत करीब 500 रुपए तक होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर यह सेब गिफ्ट पैक में मिलते हैं। नंबर 7, स्क्वायर वाटरमेलन। वैसे तो सभी तरबूज अंडे के आकार के होते हैं और जो हमारे बाजार में मिलते हैं वह भी कुछ अलग नहीं होते, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि तरबूज चौकोर भी हो सकता है? स्क्वायर तरबूज जापान के एक बेहतरीन तकनीक से तैयार किया गया तरबूज है जो बिल्कुल चौकोर होता है और केवल जापान में ही पाया जाता है। यह तरबूज ज्यादातर डेकोरेशन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता। इस चौकोर तरबूज को बनाने के लिए वहाँ के लोग एक तरह के फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब तरबूज छोटा ही होता है उसी समय चौकोर फ्रेम को तरबूज के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे तरबूज चौकोर शेप ले लेता है। इस तरबूज की कीमत 74,000 रुपए तक होती है। नंबर 6, पाइनएप्पल फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगेन। यूरोप में पाइनएप्पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हेलिगेन गार्डन एक ऐसा जगह है जहां पर पाइनएप्पल पाए जाते हैं और वह भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से, क्योंकि इन पाइनएप्पल को बनने में लगभग 2 साल का समय लगता है और इनको पकाने के लिए घोड़े की खाद और भूसों का इस्तेमाल किया जाता है और इनको ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। यह पाइनएप्पल केवल थोड़े से ही तैयार किए जाते हैं क्योंकि इनको एक अलग वातावरण की जरूरत होती है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। यह पाइनएप्पल बिल्कुल पीले रंग का होता है और एक पाइनएप्पल की कीमत करीब 1,00,000 रुपए तक होती है। नंबर 5, ताइयो नो तमागो मैंगो। जापान के ताइयो नो तमागो अलग प्रकार का नाम है। यह अलग तरह का होता है, आधा लाल और आधा पीला। इसका स्वाद भी नॉर्मल आमों से बिल्कुल अलग होता है एंड इस खास किस्म के आम में मिठास के साथ साथ अनानास और नारियल का हल्का सा स्वाद भी आता है। जापान में हर साल सबसे पहले उगाए गए इस आम को
बड़े स्तर पर बेचा जाता है जिसके दाम आसमान छूते हैं और इसको खरीदने के लिए अच्छे से अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर बात करें साल 2017 की तो यहाँ आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई जो करीब 2.5 लाख रुपए थी। यह आम जापान में गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किए जाते हैं। इसके हर एक आम का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। नंबर 4, रूबी रोमन ग्रेप्स। रूबी रोमन अंगूर भी जापान में ही पाया जाता है और यह दुनिया का सबसे महंगा अंगूर है क्योंकि इसके अंगूर के एक गुच्छे में सभी अंगूर एक ही आकार के मिलेंगे, पिंग पोंग बॉल के जैसे। इसके अलावा एक खास किस्म का अंगूर एक सीजन में ही तैयार किया जाता है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 2019 में इन खास अंगूरों के एक गुच्छे को नीलामी के दौरान 8 लाख रुपए में बेचा गया था। एक रूबी रोमन ग्रेप्स का वजन 20 ग्राम होता है। जापान के लोग इन ग्रेप्स को एक दूसरे को तोहफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इस खास तरह के अंगूर को खाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, सेकाई इची एप्पल। आपको ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लगेगी कि एक सेकाई इची एप्पल की कीमत करीब 1500 रुपए है। यह सेब इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसके पेड़ को खास देखभाल की जरूरत होती है। सेकाई इची एप्पल दुनिया का सबसे स्वादिष्ट सेब है और इसका एक सेब करीब 900 ग्राम का होता है। इस सेब को भी जापान में ही उगाया जाता है। इस सेब की खास बात यह है कि ये हैड्स पॉलिनेटेड होता है, साथ ही इनको शहद में डुबाया जाता है और हैंड स्टैम्प किया जाता है। यह सेब काफी ज्यादा मीठा होता है और साथ ही दुनिया की बेस्ट क्वालिटी का सेब कहा जाता है। नंबर 2, डेंसुके वाटरमेलन। डेंसुके तरबूज जापान में उगाया जाता है और यह तरबूज इतना बड़ा होता है कि एक तरबूज करीब 10 किलो का होता है। यह कोई आम तरबूज नहीं है जो हमारे आसपास बाजारों में मिलता है। यह जापान की तकनीक से उगाया हुआ एक अलग तरह का तरबूज है जो बहुत ही स्वादिष्ट और पानी से भरपूर होता है। यह तरबूज कई दिनों तक खराब भी नहीं होता। इस तरबूज की कीमत करीब 4 लाख रुपए है और अगर आपको यह तरबूज खाना है तो आपको जापान में जाकर ही इस तरबूज को खाना होगा। नंबर 1, युबारी मस्कमेलन। क्या आपने सोचा है कि खरबूजे की कीमत भी लाखों में हो सकती है? हाँ, यह सच है। युबारी मस्कमेलन जो जापान में उगाया जाता है, ये दुनिया का सबसे महंगा फल है और दुनिया का सबसे महंगा खरबूज है। यह खरबूज देखने में तो आम खरबूजे जैसा ही है पर खाने में एकदम लजीज और बहुत स्वादिष्ट है। जापान इसको बाहर देशों में कम ही एक्सपोर्ट करता है। इस एक खरबूजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 12 सबसे महंगे फल, जिन्हें खाना तो क्या, खरीदना भी आम आदमी के बस के बाहर है। इनमें से ज्यादातर फल जापान में ही मिलते हैं क्योंकि जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है और वह अपने एडवांस तकनीक का उपयोग करके ये सारे फल बेहतर से बेहतर तैयार करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी फलों में से कौन सा फल सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।